जरा बज के रिलीज हो रही है एंड उनके डायरेक्टर लक्ष्मण सर हमारे साथ मौजूद है। सर लक्ष्मण सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बता दें कि जरा हटके जरा बज के काफी अच्छी और एंटरटेनिंग है। अभी तो हमने बस फर्स्ट हाफ देखा, काफी एंटरटेनिंग लगा एंड अब सेकेंड हाफ अभी देखने जाएंगे हम वापस। सो सबसे पहले बताए कि हाउ वाज द एंटायर जर्नी, मतलब विक्की सर एंड सारा मैम को लेने का थॉट कैसे आया? द जर्नी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। विक्की और सारा को लेने का थॉट ये था कि अगर आपने देखा होगा फर्स्ट हाफ में तो इट्स अ स्टोरी अबाउट अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली इन अ स्मॉल टाउन और ऐसा हीरो चाहिए था जो उस दुनिया का हिस्सा लगे और विक्की खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको पता है मिडिल क्लास फैमिलीज के वैल्यूज़ क्या होते हैं, उनको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में किस तरह से रोज़ रोज़ उसने कुछ कुछ बचाते हैं कल के लिए, तो वो वैल्यूज़ उनको पता थे और लुक में भी वो नेक्स्ट डोर बॉय लगता है, वो लगते हैं मिडिल क्लास फैमिली के। एंड सारा आपने देखा होगा फिल्म में जिस तरह की ज़िद्दी नटखट कैरेक्टर है, हाइपर कैरेक्टर है, नॉटी भी वो रियल लाइफ में है yes. तो उनको उस तरह से ट्रांसलेट किया है कि उनकी रियल लाइफ और ये लगभग सेम है, तो इट वॉज ईजी फॉर मी टू ट्रांसलेट देम इन द कैरेक्टर्स। ये तो आपको पता चलेगा फिल्म देखने के बाद ही कि डिवोर्स होगा क्या नहीं होगा। ओके, सो कमिंग बैक टू योर ओल्डर मूवीज, आपकी हमने लुका छुपी एंड मिमी बोथ आर माय फेवरेट मूवीज। तो लुका छुपी बहुत सक्सेसफुल हुई, बहुत ह्यूज हिट रही, पीपल यू नो लव द सॉन्ग्स, कार्तिक सर एंड कीर्ति मैम की केमिस्ट्री भी काफ़ी लोगों को पसंद आई एंड मिमी ऑल्सो। सो कीर्ति मैम को आपने यहाँ पर क्यों नहीं लिया सर? आपको यहाँ पर लेना चाहिए था ना, हमको नहीं लगता। हाँ ऐसा नहीं है, मतलब एक गलत सवाल है। कभी कभी हर एक कैरेक्टर की एक डिमांड होती है इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, इन टर्म्स ऑफ लुक, एंड शायद इस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट थी सारा, बट शी इज सूटिंग, या एंड शी हैज डन सच अ फैबुलस जॉब, या शी इज सूटिंग। सो आपका और मतलब कार्तिक सर के साथ आपको कैसा बॉन्ड है? लाइक बहुत अच्छा बॉन्ड है, बहुत अच्छा, वी स्टिल टॉक, हम अभी भी बातें करते हैं, शायद फ्यूचर में कुछ अच्छा मतलब मैं सोच पाया उनके साथ तो डेफिनेटली करना चाहूँगा। yes. तो बहुत अच्छा बॉन्ड है। एंड वी वुड लाइक टू सी यू विद वर्किंग विद सम मोर एक्टर्स, लाइक हमारे जो सलमान सर हो गए, शाहरुख सर हो गए, हमें आपको उनके साथ भी काम करते हुए देखना है। बिल्कुल, अगर वो करेंगे तो डेफिनेटली करूँगा। क्यों नहीं करेंगे सर? डेफिनेटली करूँगा, कौन नहीं करना चाहता इनके साथ काम, एवरी वन वॉन्ट्स टू वर्क विद देम, दे आर द लेजेंड। अरे तो आपका बड़प्पन है ये। थैंक यू सो मच, आपकी मूवीज में ना एक मैसेज भी रहता है, कुछ सीखने भी मिलता है एंड वो एंटरटेनमेंट भी रहता है, ईच एंड एवरी फैमिली मेंबर कैन वॉच। राइट राइट। सो अभी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, हमको मूवी जाना है। सो गाइस जरा हटके जरा बच के रिलीज हो गई है, सो प्लीज गो इन नियरेस्ट थिएटर्स एंड आगे का सर बताएंगे। सर हाउ विल यू अपील द ऑडियंस? इट्स अ फैमिली एंटरटेनर, आप आइए, हंसिए और मज़े करते हुए जाइए। सो कल 2 जून को फिल्म रिलीज़ हो रही है थिएटर में, तो सब लोग अपने फैमिली के साथ, मैं श्योरिटी देता हूँ कि आप एंजॉय करोगे फिल्म। थैंक यू सर, ने श्योरिटी दे दिया है, मतलब डेफिनेटली मूवी आपको पसंद आएगी ही आएगी। सो प्लीज गो एंड वॉच इट इन नियरेस्ट थिएटर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।